Hello, welcome. Today I am going to tell you about the Prayas test series, which is going to start shortly in many of the centers. This is a free online and offline test, the registration of which can be done in our website. You can also join the Prayas Telegram channel. ठीक है, तो आप लोग सब इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और आप लोग फ्री में टेस्ट सीरीज का लाभ उठाएं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अपने एमसीक्यूज को। पहला एमसीक्यू है, द इमेज मेड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। अब जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, जैसे मान के चलो इफ आई नीड टू ऑब्जर्व सम स्टार्स, मुझे अगर कोई अगर सेलेशियल बॉडी देखनी है तो हम लोग उसमें टेलीस्कोप का यूज करते हैं। अब अगर आपने थोड़ा भी वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो इमेज है वो बेसिकली दो टाइप के बनते हैं, या अगर मैं बोलूँ तो उसमें फोर काइंड्स ऑफ परम्यूटेशन कम्बिनेशन है। आइदर द इमेज कैन बी रियल एंड वर्चुअल, आइदर नहीं देखो आइदर द इमेज कैन बी रियल एंड इरेक्ट, और इट कैन बी रियल एंड इन्वर्टेड, और इट कैन बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वर्चुअल और इन्वर्टेड। तो यही इसमें पूछा जा रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो इनमें से किस चीज को रिजेंबल करती है। तो एक चीज याद रखना कि जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, यानी कि वो रियल इमेज नहीं है। जब आप उसमें रेडिएशन को पीछे ट्रेस करते हो तो वहां पे आपको इमेज मिलेगी। और ये तो सबको पता है कि टेलीस्कोप जो है वो इमेज को एनलार्ज कर देता है, इमेज को बड़ा कर देता है। तो इसमें हमको एक बड़ा इमेज मिलता है, लेकिन वो इमेज जो है दैट इज अ वर्चुअल इमेज। व्हाट द पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सितार व्हाट काइंड ऑफ साउंड वेव्स इज प्रोड्यूस। देखो साउंड वेव्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो यहाँ पे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू अबाउट ऑल काइंड ऑफ साउंड वेव्स। लेकिन जब भी हम लोग सितार को प्ले करते हैं, सितार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें हमको किस टाइप का साउंड वेव मिलता है? तो जो साउंड वेव है दैट इज बैकवर्ड एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना। थोड़ा सा इसके बारे में देखो, देखो जब दो आइडेंटिकल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स, यानी कि जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, सो दे आर सुपर इम्पोज, यानी एक के ऊपर एक जो है वो अपना आ जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स, जिसके चलते वी गेट मेलेडी। ओके, आगे बढ़िए। द टू न्यू मिशन अनाउंस बाई नासा आर रिलेटेड टू। देखो नासा जो है वो अलग अलग सेलेशियल बॉडीज पे, देखो सेलेशियल बॉडीज हम बार बार यूज कर रहे हैं, वो वहां पे मिशन भेजता है। वो मून हो सकती है, या मान के चलो अगर आप सन की भी बात करो तो आपने सुना होगा ना पार्कर सोलर प्रोब के बारे में, ये भी भेजता है, अलग अलग प्लैनेट्स भी भेजता है, जैसे मार्स है, फिर बहुत सारे एस्ट्रॉइड बेल्ट को भी केटर करने के लिए नासा भेजता है। तो अभी नासा ने दो न्यू मिशन को अनाउंस किया है, तो ये जो दो न्यू मिशन है ना, दे विल बेसिकली टारगेट वीनस। अगेन आई डू अग्री कि ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को और अपना स्पेसिफिक बनाना होगा। जैसे मान के चलो कि जुलाई 2022 में हमने कौन कौन सा मिशन भेजा है, ठीक है, इस तरीके से हमको प्रोसीड करना है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है उसने 2021 में दो नए मिशन जो है वो वीनस में भेजने की बात की है, और ये क्या करेंगे, ये बेसिकली सर्फेस ऑफ वीनस को एग्जामिन करेंगे और ये पता करेंगे वहां किस तरह की एटमोसफेयर है, किस तरह के गैसेस मिलते हैं। क्लियर, आगे बढ़िए। हु इंट्रोड्यूस अ फोर्थ डायमेंशन इन फिजिक्स। अब देखो थोड़ा थोड़ा चीज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे डायमेंशन जो टर्म है ना, डायमेंशन टर्म बेसिकली यहाँ पे किस चीज को अपना सिग्निफाई करना चाह रहा है, तो ये डायमेंशन जो टर्म है, जैसे देखो चलो थोड़ा मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है अगर आपने पढ़ा होगा तो ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं। तो टू डायमेंशनल जो है ना, ये एक थोड़ा सा इजी मॉडल है और नॉट अ वेरी करेक्ट मॉडल, फॉर एग्जाम्पल सर्कल, लेकिन एक्चुअली में अगर आप बात करो तो एवरीथिंग एग्जिस्ट इन थ्री डायमेंशन। तो यहां पे हम बात करते हैं स्फीयर के बारे में। क्लियर, तो यहां पे जैसे मान के चलो टू डायमेंशन में वी ओनली हैव, टू डायमेंशन में वी ओनली हैव लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, लेकिन इन द थ्री डायमेंशन अलॉन्ग विथ लेंथ एंड ब्रेथ वी ऑल्सो हैव हाइट। क्लियर, तो देखो हम लोग थ्री डायमेंशन को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। क्लियर है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब आइंस्टाइन ने क्या बोला कि अपार्ट फ्रॉम ये जो तीन जो कि स्पेस के डायमेंशन है, वी ऑल्सो हैव अ टाइम डायमेंशन। तो टाइम डायमेंशन जो है ना वो इस तरीके से यहां से आउटवर्ड प्रोजेक्ट होता है, ऐसे आउटवर्ड ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट होगा। क्लियर, तो तीन डायमेंशन हो गए स्पेस के और एक डायमेंशन हो गया टाइम का। ये जो थ्योरी है या ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले आइंस्टाइन ने प्रोपोगेट किया था। क्लियर, आगे बढ़िए। क्वांटम स्टॉपर रेफर्स टू, देखो अभी के टाइम पे क्वांटम कंप्यूटिंग जो है बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग या फिर क्यूबिट्स,
बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, इसलिए क्वांटम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यहाँ पे जो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जो अपना क्वांटम स्टॉपर है ये क्या बोलता है। क्वांटम स्टॉपर्स आर बेसिकली दे आर कंडक्टिंग नैनो स्ट्रक्चर्स, ठीक है? और यहाँ पे क्वांटम स्टॉपर्स की जगह क्वांटम डॉट्स को भी समझ सकते हो। दे आर नथिंग बट अ कंडक्टिंग नैनो स्ट्रक्चर। क्लियर? ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरे तरफ में ट्रांसपोर्ट करता है, बस यही इसका काम है। चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। अब देखो प्लांट्स में दो तरह के न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक है माइक्रो मैक्रो और एक है माइक्रो। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसा है जो कि प्लांट में नेचुरली हमको नहीं मिलता है। क्लियर? तो इसका आंसर है हमको आयरन। आयरन जो है ये नेचुरली प्लांट में नहीं मिलता है। क्लियरली? चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा बाइफर्केशन देखो। प्लांट में हमको 17 एसेंशियल एलिमेंट्स मिले। क्लियर? अब उनमें इन्होंने थोड़ा इसको बाइफर्केट किया है। इन्होंने बोला है वो जो 17 एलिमेंट्स है दे कैन बी बाइफर्केटेड इनटू मैक्रो एंड माइक्रो। और ये 17 एलिमेंट्स मैं यहाँ पे खाली इनके केमिकल फॉर्मूला लिखता हूँ। दे आर नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, निकल, क्रोमियम एंड मॉलिब्डेनम। क्लियर? तो आयरन जो है ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है प्लांट में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ कार्बन साइकिल। क्लियरली हम लोग क्या करते हैं, अपने एग्जामिनेशन पर्पज की वजह से हम तीन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ते हैं। सबसे पहला तो है वाटर साइकिल, दूसरा है हमारा कार्बन साइकिल और तीसरा है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है? अब देखो ये साइकिल्स क्या करता है ना, ये हमको वो प्रोसेस के बारे में बताता है जिसमें एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है और जिससे सब्सट्रैक्ट होता है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो ह्यूमन बींग्स जो है ना वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर को CO2 दे देते हैं। ठीक है? क्योंकि हम क्या करते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। एंड प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जिसे कि हम आम भाषा में कहते हैं, जहां प्लांट्स अपना खाना बनाती हैं वो वहां पे CO2 को यूटिलाइज करती हैं। तो थ्रू रेस्पिरेशन वी एड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर एंड थ्रू फोटोसिंथेसिस वी अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफेयर। क्लियर? तो बोलना चाह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज नहीं होता, यानी कि एडिशन नहीं होता। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है ये? देखो रेस्पिरेशन, यस अभी हमने बात की है, रेस्पिरेशन से CO2 रिलीज होता है, एडिशन होगा। दूसरा फोटोसिंथेसिस, नहीं इससे CO2 तो माइनस होता है, यानी फोटोसिंथेसिस इज अ करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ई भी है, तो बाकी ऑप्शन भी एक्सप्लोर कीजिए। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, देखो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर डिके करता है तो वो अपने अंदर के स्टोर्ड कार्बन को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, यानी कि इरप्शन ऑफ मॉल्टन मैग्मा होता है, वो अपने साथ बहुत सारे वॉल्केनिक गैसेस को रिलीज करता है, जिसमें वी हैव CO2, वी ऑल्सो हैव ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, वी ऑल्सो हैव वाटर वेपर। तो बाकी ये तीनों प्रोसेस जो है ये एटमोसफेयर में एडिशन का काम कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस जो है ये अब्सॉर्प्शन का काम कर रहा है। तो आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, फोटोसिंथेसिस। क्लियर? आगे बढ़िए। द मैन हु डज नॉट अंडरस्टैंड व्हेन ही शुड स्टॉप ईटिंग। देखो किसी को अगर खाने की बीमारी है, यानी उनको पता नहीं है कि इफ ही नीड्स टू ईट, इफ ही नीड्स टू स्टॉप, तो दैट इज बेसिकली अ डिजीज। हम कहते हैं यार वो इंसान तो खाते ही रहता है, वो अपने मन से नहीं खा रहा, वो एक बीमारी से ग्रस्त है और उस बीमारी का नाम है बुलीमिया। क्लियर? अगर मैं इस बीमारी का फुल फॉर्म बोलूं तो इसका नाम है बुलीमिया नर्वोजा। क्लियर? तो दिस इज बेसिकली एन ईटिंग डिसऑर्डर। अ पर्सन विद अ बुलीमिया कंज्यूम्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है? क्लियर? देखो डायबिटीज तो नहीं है, यहाँ पे आपके बॉडी में एडिशनल अमाउंट ऑफ शुगर हो जाता है। क्लियर? इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसीलिए आप डायबिटीज से, अब हाइपर एसिडिटी जो है ये आपके स्टमक में फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस के चलते होता है, तो इसीलिए आंसर इज बुलीमिया। आगे बढ़ो। अकॉर्डिंग टू द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी विच कैन बी यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। बहुत बार मैंने बात किया, आप भी जाके पढ़ोगे, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ 2020, इसमें आप 4 जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स के बारे में पढ़ना, 1 जनरेशन, 2G, 3G, 4G। तो अलग अलग जनरेशन में हमारा जो रॉ मटेरियल है बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने का वो अलग है और डिफरेंट प्रोसेस से हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है इनमें से किसको हम बायोफ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं। देखो वी कैन यूज रॉटन पोटैटो, यस। शुगर बीट, यस। डैमेज वीट, अगर यहाँ राइस ग्रीन होता वो भी कर लेते,
देखो एक से ज्यादा तो हो गया, तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। और मेन बात यह है कि वी कैन ऑल्सो यूज कसावा, क्लियर, यानी कि हम इन सारे चीजों को जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ शुगर है हम इसको यूज कर सकते हैं बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने। अगला देखो, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली टैपा क्लोथ इज मेड, टैपा क्लोथ जो है इनमें से किस फैमिली को बिलोंग करता है, क्लियर। तो टैपा क्लोथ जो है ना ये बिलोंग करता है मोरासिए, क्लियर। तो ये जो इनर प्लांट ऑफ द मलबरी फैमिली है, मलबरी जो सिल्क बनता है उसमें से एक है हमारा टैपा क्लोथ, और इसको हम लोग बेसिकली बनाते हैं पैसिफिक ओशन के कुछ आइलैंड्स में, फॉर एग्जाम्पल टोंगा, फिजी एटसेट्रा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ओपियम जो है ये इनमें से किस कैटेगरी ऑफ ड्रग के अंदर आता है। तो ओपियम जो है ना दिट इज अ डिप्रेसेंट, यानी अगर आप डिप्रेस्ड हो, इफ यू कंज्यूम ओपियम दिस विल एक्ट एज अ डिप्रेसेंट, क्लियर। चलो उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं इसमें से, फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक पेन रिलीवर, हेरोइन ड्रग एटसेट्रा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से हार्मोन के एक्सेस से हमको एक्रोमेगैली नाम की डिजीज होती है। तो हार्मोन जो है वी हैव टू काइंड्स ऑफ ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, दे रिलीज अ लॉट ऑफ हार्मोन्स, इनमें से किस हार्मोन के एक्सेसिव सेक्रीशन से हमको ये प्रॉब्लम होती है। सो वो हार्मोन का नाम है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, क्लियर। इसको हम लोग बहुत बार देखो ये ना ग्रोथ में यूज करता है, और इसके एक्सेस से वी कैन हैव भीमा टीका, इसका नाम लिख लो यहाँ पे, भीम का टिया, या फिर एक्रोमेलेजी, यानी कि ये एक्सेस आपके बॉडी में ग्रोथ कर देगा, क्लियर।